हेलो गाइस, कैसे हैं? मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको दिखाऊंगा सैमसंग गैलेक्सी A31 अगर इसका जो पावर की है वो वर्क नहीं कर रहा है तो आप उसको कैसे आसानी से रिसॉल्व कर पाएंगे। जैसे देख सकती है A31 मॉडल है और मैंने हैंडसेट को चार्ज पर लगा दिया हूँ, चार्ज हो रहा है लेकिन इसका जो पावर की है पावर की काम नहीं कर रहा है। तो फ्रेंड, इस वीडियो को पहले से ख़त्म तक ज़रूर देखिए ताकि अच्छे से सोल्यूशन आपको मिले। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिए। देखिए, इसका जो पावर की है वो मदरबोर्ड से रिमूव हो गया है, उखड़ गया है मदरबोर्ड से, लेग्स नहीं है। तो ऐसा हुआ था, ये हैंडसेट गिर गया है शायद, इसके कारण ये हैंडसेट थोड़ा बेंड है, देख सकते हैं बेंड दिख रहा है इसके ऊपर। तो फर्स्ट टाइम का इसका थोड़ा वोल्टेज नाप लेते हैं, जो पावर की है पावर की पर वोल्टेज आ रहा है कि नहीं, उसको चार्ज पर लगा लेते हैं। वोल्टेज 20 पर, देखिए इसकी जो पावर की है उस पर कोई भी वोल्ट शो नहीं हो रहा है, तो हमें डायरेक्ट जंपरिंग करना पड़ेगा। तो चलिए, कहाँ से कहाँ जंपर करना है जंपर करके हम आपको दिखा रहे हैं। तो इसकी बिल्कुल भी मत कीजिए, पहले से ख़त्म तक ज़रूर देखिए तो परफेक्ट सॉल्यूशन मिलेगा आपको। सबसे पहले तो बैटरी कनेक्टर को रिमूव कर लेता हूँ। और अगर फ्रेंड आप पहली बार मेरा चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं सैमसंग का A to Z सर्विस सॉल्यूशन लेके आता हूँ। कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं तुरंत आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अपलोड कर दूँगा। सॉरी, स्क्रू ड्राइवर ख़त्म हो। सर, एक्चुअली वो स्क्रू ड्राइवर थोड़ा दिक्कत हो रहा था। सबसे पहले तो हमें जो फ्रंट कैमरा है इसको निकाल लेना है, नहीं तो फ्रंट कैमरा ख़राब हो सकता है। तो हमें जो CPU का शील्ड है इसको हमें फर्स्ट रिमूव करना है, उसके अंदर ही हमें जंपरिंग करना है। तो मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ। और फ्रेंड अगर, और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे इतना सपोर्ट किया, मुझे सब्सक्राइब किया। मैंने हाल ही में एक नया यूट्यूब चैनल क्रिएट किया हूँ जो कि मेरा ब्लॉगिंग चैनल है। तो प्लीज़ ब्लॉगिंग चैनल को भी आप सपोर्ट कीजिए। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा मेरा ब्लॉगिंग चैनल का। तो जो मदरबोर्ड है निकल चुका है, तो हमें एक रजिस्टर पर जंपर करना है। पहले तो हम जंपर कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि कहां से कहां जंपरिंग करना है। तो मैंने जंपरिंग किया हूँ, देख लीजिए आप। जो CPU है, CPU के पास आपका एक रजिस्टर रहेगा। ये जो रजिस्टर है, इस रजिस्टर का इस ऊपर की तरफ आपको जंपर करना है, नीचे की तरफ नहीं करना है। उसके बाद आपको सीधे इसको लेना है मदरबोर्ड के दूसरी तरफ, और जो फॉइल निकल गया है आप ग्लो से इसके ऊपर एक फॉइल बैठा सकते हैं, उसके बाद इसको जंपर करते हैं। तो हम डायरेक्टली इसको शॉर्ट करके ऑन करके देखेंगे कि ऑन हो रहा है कि नहीं। अगर ये ऑन हो जाए तो एक जो पॉइंट है वो हम लगा लेंगे। तो हमें ऑन होने के लिए इस हैंडसेट को
ये दोनों शॉर्ट करना पड़ता था, ये जो रिमूव हो गया है ये वाला यार, इसका ऊपर का। तो चलिए हम इसको शॉर्ट करके देखते हैं। फ्रेंड हैंडसेट ऑन हो गया है। तो अगर ऐसे कोई दिक्कत आपके पास आए, जो पावर की आपका काम नहीं कर रहा है, फॉयल नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, सिर्फ ये 30 ऑन नहीं, कोई भी मॉडल हो तो तुरंत मुझे कमेंट कीजिए, मैं जल्द से जल्द प्रॉब्लम का सोल्यूशन करके आपको अपलोड करके दिखूंगा। इस वीडियो को पहले से ख़त्म तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के पास शेयर कीजिए। और हाँ, मेरा जो नया व्लॉगिंग चैनल है, इस अबाउट में उसका लिंक मिल जाएगा, उसको देखना मत भूलिए, और उस चैनल को भी सपोर्ट कीजिए इस चैनल के तरफ सब्सक्राइब करके। धन्यवाद।